आज हम लोग क्लास 8 में अभ्यास 20 ज्यामितिक प्रमाण या ज्योमेट्रिकल प्रूफ ये सीखेंगे, ठीक है। इसके पहले ये अभ्यास शुरू करने से पहले हम थोड़ा अभ्यास 16 में, जहाँ पे हमने त्रिभुज और उसके कोणों और भुजाओं के बीच में संपर्क देखा था, अभ्यास 16, उसको थोड़ा पुनरावृत्ति कर लेते हैं, एक बार फिर से जान लेते हैं हमने क्या सीखा था। हमने सीखा ये था कि कोई भी त्रिभुज हो, ऐसा भी एक त्रिभुज हो, अब एक त्रिभुज है तो उसके तीन कोण होंगे, तीन भुजा होंगे और तीन कोण होंगे, यह हमने सीखा था, यह हमें मालूम है। और जो सीखा हमने ये था कि तीन कोणों में जो सबसे बड़ा कोण होगा, मान लेते हैं ये कोण है 80 डिग्री का, ठीक है, मान लेते हैं ये कोण है 30 डिग्री का, तो ये 80 और 30 मिलकर कितने हुए, हुए 110, तो बचा ये कोण, ये 70 का होगा, क्योंकि तीनों कोणों का योगफल 180 होना चाहिए, ठीक। ये तो हमें मालूम है। हमने सीखा अभ्यास 16 में ये था कि किसी भी त्रिभुज में जो सबसे बड़ा कोण होगा, जैसे हमारे इस त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण है एंगल बी, एंगल बी सबसे बड़ा कोण है, तो एंगल बी के विपरीत वाली जो भुजा होगी, एंगल बी के विपरीत वाली भुजा, यानी उसके विपरीत वाली भुजा कौन सी है, एसी, एसी भुजा जो होगी इस त्रिभुज में सबसे बड़ी होगी, क्यों, क्योंकि इसके विपरीत वाला कोण त्रिभुज में तीनों कोणों में सबसे बड़ा है, ये हमने सीखा था, ठीक। उसी तरह से सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी, एंगल 30 के विपरीत वाली सबसे छोटी जो भुजा होगी, जैसे ए बी, एंगल सी के विपरीत जो भुजा है ए बी, ये सबसे छोटी होगी, और उसके बाद एंगल ए, एंगल ए के विपरीत वाली भुजा यानी बी सी, इन दोनों के बीच में आएगी। यानी हम लिख ही सकते हैं इस जानकारी के हिसाब से कि ए सी जो होगी वो बड़ी होगी, ए सी भुजा बड़ी होगी ए बी भुजा से, क्यों बड़ी होगी, क्योंकि हमें ए सी भुजा के विपरीत का कोण जो है एंगल 80 वो बड़ा है ए बी भुजा के विपरीत का कोण एंगल 30, ठीक। तो ये हमने अभ्यास 16 में सीखा हुआ, अब इसी का कुछ प्रयोग हम करेंगे अभ्यास 20 में। अब ध्यान से देखो कैसे। मान लो मैं तुम्हें एक सवाल देता हूँ कि तुम एक त्रिभुज की रचना करो, अपने कॉपी में पेंसिल और स्केल की मदद से एक त्रिभुज बनाओ। मैंने कोई मान नहीं बोला है कि त्रिभुज की भुजाओं का मान क्या होगा, तुम अपनी मर्जी से बनाओ। तो तुम बड़ी आसानी से अपनी कॉपी में एक लाइन बनाओगे स्केल से ऐसे, दूसरा लाइन बनाओगे ऐसे और तीसरा लाइन बनाओगे ऐसे, तो बन गया तुम्हारा त्रिभुज, आसानी से बना सकते हो, ठीक। लेकिन अगर मैं यही सवाल तुम्हें कहता कि तुम अपनी कॉपी में अपनी मर्जी से एक त्रिभुज बनाओ, लेकिन भुजाओं का मान तुम्हें देना होगा, या भुजाओं का मान तुम्हें पहले सोच लेना होगा और फिर तुम्हें त्रिभुज बनाना, अगर ये कहता तब क्या करते तुम, तब तुम कॉपी में कैसे बनाते। तब तुम मान लो अगर ये भुजा तुमने बनाई है 5 सेंटीमीटर की, ठीक है, ये भुजा तुमने बनाई है 3 सेंटीमीटर की, और ये भुजा मान लो तुमने किया है 1 सेंटीमीटर, और अगर तुम इन मापों का इस्तेमाल करके अगर पेंसिल और स्केल से बनाने जाओगे, तब तुम देखोगे कि तुम्हारा त्रिभुज, एक सेकंड के लिए वीडियो रोको, वीडियो रोक के तुम ये खुद बनाने की कोशिश करो, कॉपी पेंसिल और स्केल की मदद से इन मानों के जरिए तुम एक त्रिभुज बनाओ। 5 सेंटीमीटर बीसी का मान है, एसी है 3 सेंटीमीटर और एबी है 1 सेंटीमीटर, और देखो क्या त्रिभुज बनता है कि नहीं। तो तुमने अगर ये बनाया कॉपी में तो तुम्हें क्या मिला कि इन मानों के जरिए त्रिभुज नहीं बना, इन मानों का इस्तेमाल करके त्रिभुज हम नहीं बना। हालांकि जब हमने त्रिभुज बनाया था अपनी मर्जी से बिना किसी माप के, तब तो हमने बड़ी आसानी से स्केल से बना लिया था, लेकिन जब माप की बात आती है, अगर माप लेके या माप सोच कर अगर हमें त्रिभुज बनाना है, तब हमें थोड़ी बहुत डिफिकल्टी या दिक्कत आ सकती है। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के इन तीनों भुजाओं के मान की एक विशेष बात है, और वह विशेष बात यह है कि त्रिभुज के कोई भी दो भुजा अगर हम देखें, त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं के मानों का योगफल तीसरी भुजा के मानों के योगफल से बड़ा होना चाहिए। क्लियर, मैंने क्या कहा, यानी इन दो भुजाओं को ध्यान से देखो, AB और AC, इन दोनों का अगर योगफल करेंगे तो 1 और 3 4, जो कि तीसरी भुजा BC से छोटी है, यानी इस हालात में ये त्रिभुज बनना असंभव है। क्यों, क्योंकि किसी भी कोई भी दो भुजा, हालांकि अगर ये दो भुजा हम देखें, जैसे AB और BC अगर देखें, तो ये 1 है और ये 5 है, इन दोनों का योगफल होगा 6, जो AC से बड़ी है, यानी सही। AC और BC का मान अगर देखें 3 और 5, इनका योगफल 8, जो 1 से बड़ा है, सही। लेकिन इन दो भुजाओं का 1 और 3, इनका योगफल है 4, जो कि 5 से छोटा है, यानी त्रिभुज बनना असंभव है। तो हमने जो नियम कहा वो क्या कहा कि त्रिभुज कोई भी त्रिभुज तुम बनाने की कोशिश करो, उसके कोई भी दो, चाहे ये दो भुजा हो, चाहे ये दो भुजा हो, चाहे ये दो भुजा हो,
किसी भी दो भुजाओं का जो मान है उनका योगफल तीसरी भुजा के मान से हमेशा बड़ा होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए। मान लो ये है ए बी और ए सी, यानी ए बी और ए सी का योगफल हमेशा बी सी से बड़ा होना चाहिए, ठीक, हमेशा बड़ा होना चाहिए, बराबर होने से भी नहीं होगा। यानी उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि यही त्रिभुज अगर ऐसा होता, यहाँ पे पांच होता, यहाँ पे एक होता और ये चार होता, तो क्या त्रिभुज बनता? तब देखो इन दो भुजाओं का योगफल छः जो चार से बड़ा है, ठीक है, इन दो भुजाओं का योगफल नौ जो एक से बड़ा, ठीक है, लेकिन इन दो भुजाओं का योगफल पांच और ये भी पांच ही है, तो क्या त्रिभुज बनेगा? तो भी नहीं बनेगा, क्योंकि मान दोनों भुजाओं का योगफल का मान तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा ही होना चाहिए। तो ये है तुम्हारा नियम। अब इस नियम को हम प्रूफ करते हैं या सिद्ध करके देखते हैं कि वाकई में ऐसा है कि नहीं है, ठीक है। अब इस थ्योरम पे ध्यान दो। थ्योरम क्या कहता है, हमारा प्रमेय क्या कहता है? किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं की लंबाई का योगफल तीसरी भुजा की लंबाई से हमेशा बड़ा होगा। कहने का मतलब क्या है, कोई भी त्रिभुज, चाहे वो त्रिभुज किसी भी आकार का हो, त्रिभुज है तो तीन भुजा तो होंगी और तीन कोण होंगे, चाहे वो त्रिभुज कैसा भी हो, ठीक, उनके दो, उसके किसी भी दो भुजाओं का योगफल, कोई भी दो भुजाओं का योगफल तीसरी जो भुजा बचेगी उसकी लंबाई से हमेशा बड़ा होगा, ठीक। अब ये हमें प्रूफ करना है, इसको सिद्ध करना। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं, मैं हाथ से बना रहा हूं, मतलब मैंने त्रिभुज बनाया, नाम देते हैं ए बी और सी, एक त्रिभुज बनाया, ठीक। हमें प्रमाण क्या करना है, हमें प्रमाण करना है कोई भी दो भुजा, हम अपनी सुविधा के लिए मानते हैं ए बी और ए सी दो भुजा, तो कोई भी दो भुजा का योगफल ए बी प्लस ए सी, इसका योगफल बड़ा होना चाहिए, जो तीसरी भुजा बची कौन सी, बी सी, इससे बड़ा होना चाहिए, ये हमें प्रमाण करना है, ठीक। किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं, कोई भी हमने त्रिभुज बनाया, किसी भी आकार का बनाया, उसकी दो भुजाओं का योगफल, हमने ये दो भुजा लिया, हम चाहे तो ए बी और बी सी भी ले सकते, यानी ए बी और बी सी लेते हैं, ए बी प्लस बी सी का योगफल ए सी से बड़ा होना चाहिए, या ए सी प्लस बी सी का योगफल ए बी से बड़ा होना चाहिए, हम ऐसे भी लिख सकते थे, हमने अपनी सुविधा के लिए ऊपर के दो माना, ताकि हमें दिखाने में सुविधा हो या करने में सुविधा हो, ठीक। तो ये हमारा प्रमाण करना, ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी, ठीक। हम यहाँ पे एक रचना करेंगे, रचना क्या करेंगे, त्रिभुज का जो शीर्ष बिंदु ए, यहां से हम एक लंब बनाएंगे, यहां से हम एक लंब बनाएंगे जो बी सी भुजा को बी बिंदु पे काटे, लंब बनाएंगे यानी ये जो कोण बनेगा ये हमेशा कितने डिग्री का बनेगा, ये 90 डिग्री का बनेगा, ठीक, क्योंकि ये लंब बना। तो हमने रचना क्या किया, हमने रचना किया ए डी परपेंडिकुलर यानी लंब किसके ऊपर, बी सी के ऊपर, क्लियर, ये हमने रचना की, ठीक। अब रचना करने के बाद, अब जब हम प्रमाण करेंगे, तब ध्यान से देखो, यहाँ पे रचना होने के बाद दो त्रिभुज तुम्हें दिख रहे हैं, ए डी बी एक त्रिभुज है और ए डी सी एक त्रिभुज है, ठीक। अब ए डी बी त्रिभुज ए डी में लो, ठीक, त्रिभुज, या इसे हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, त्रिभुज ए डी बी, इस त्रिभुज में ध्यान से देखो, ए डी बी त्रिभुज में अगर हम ध्यान से देखें तो तुम्हें दिख रहा होगा ए डी बी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री तो पहले से ही है, क्योंकि ये तो हमने रचना ही की है, हमने लंब बनाया तो ये 90 डिग्री हमें मालूम है। तो त्रिभुज में ए डी बी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री का है तो बाकी के दो कोण यानी यहाँ ये वाला एंगल ए, ये कोण यानी बी ए डी कोण और ए बी डी कोण यानी ये कोण, ये हमेशा 90 से छोटे ही होंगे, क्योंकि इन एक कोण अगर 90 है तो बाकी दो का योगफल 90 होना चाहिए, क्योंकि तीनों कोणों को मिला के 180 होना चाहिए। तो एक कोण अगर 90 डिग्री है तो बाकी दोनों कोण न्यून कोण है यानी 90 से छोटे हैं, ठीक, क्लियर, यहां तक समझ में आया। अब ध्यान से देखो, अगर ये कोण 90 डिग्री है यानी ये सबसे बड़ा है बाकी दो कोणों से, तो अगर 90 डिग्री वाला कोण सबसे बड़ा है तो जाहिर सी बात है ए बी भुजा ए डी बी त्रिभुज में सबसे बड़ी होगी, क्लियर, यहां तक समझ में आया। उसी तरह से अगर हम इस कोण के बारे में सोचें, सिर्फ इस कोण के बारे में सोचते हैं, तो ये तो 90 से छोटी होगी, एंगल ए यानी बी ए डी वो छोटी होगी एंगल ए डी बी से, यानी हम लिख सकते हैं एंगल बी ए डी ये छोटी होगी, लेस देन होगी एंगल ए डी बी, क्लियर, यहां तक समझ में। ये मैंने क्यों लिखा बी ए डी, क्योंकि ये हमें कोण, ये न्यून कोण है, ये 90 डिग्री है तो इससे छोटी होगी, ये कोण छोटी है इस कोण से, अगर ये सही है जो कि हमें दिख रहा है चित्र में वैसा ही है,
तो इस कोण की विपरीत की भुजा कौन सी है? ध्यान से देखो, इस कोण के विपरीत की भुजा है BD और इस कोण के विपरीत की भुजा है AB, यानी हम लिख ही सकते हैं कि BD वो छोटी होगी AB से। क्लियर? ये हमने क्यों लिखा? क्योंकि जो कोण सबसे बड़ी होती है 90 डिग्री, उसके विपरीत का कोण सबसे बड़ा होगा, उसके विपरीत की भुजा सबसे बड़ी होगी। यानी ADB त्रिभुज में AB भुजा सबसे बड़ी है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, इसके विपरीत की भुजा AB बड़ी हुई। ये छोटी है, 90 से छोटी है, तो इसके विपरीत की भुजा AB से छोटी होगी, BD ये AB से छोटी होगी। तो क्या हुआ, AB बड़ा है, BD छोटा है। क्लियर? यहां तक समझ में आया? अब चाहे तो इसको BD लेस देन AB लिखे, या इसको लिख सकते हैं AB ग्रेटर देन BD। BD छोटी है AB से, या AB बड़ी है BD से, एक ही बात है। क्लियर? इसको देते हैं समीकरण 1। ठीक ठीक उसी प्रकार से अब जो दूसरा त्रिभुज तुम्हें दिख रहा है, दूसरा त्रिभुज ध्यान से देखो, ट्राइंगल ADC। ADC कहाँ पे? ADC ये रहा त्रिभुज। ठीक, उस त्रिभुज में ध्यान दो, ADC में भी एंगल D, यानी ADC ये 90 डिग्री है। ठीक, अब उस त्रिभुज में अगर ये 90 डिग्री है, तो बाकी दोनों कोण न्यून कोण होने चाहिए, यानी ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल सी, न्यून कोण 90 से छोटा होगा। तो यहाँ पे भी हम लिख ही सकते हैं सेम सिद्धांत से कि एंगल ADC ये बड़ा होगा एंगल DAC से। देखो ध्यान से, हम लिख सकते हैं कि एंगल ADC यानी 90 डिग्री, जाहिर सी बात है, बड़ी होगी DAC यानी इस कोण से, और इस कोण से भी बड़ी होगी। हमने इस कोण के बारे में अभी सोचा है, क्यों? क्योंकि इस कोण के विपरीत की भुजा है DC, हमें इस भुजा को लेके ही काम करना है, DC और BD, जो हम पहले ही इसको लेके हम लोग एक समीकरण बना चुके हैं। ठीक, अभी हमें DC को लेकर बनाना है। क्यों DC को बनाना है? क्योंकि BD और DC मिलके ही BC बन रहा है। ठीक, क्लियर? तो ये अगर हम लिख सकते हैं कि ADC बड़ी है, ये कोण बड़ा है इस कोण से, तो इस कोण के विपरीत की भुजा बड़ी होनी चाहिए, यानी AC भुजा ये बड़ी होगी किससे? एंगल DAC के विपरीत की भुजा क्या है? DC, DC से बड़ी होगी, लिख सकते हैं। क्लियर? ठीक है, इसको हम देते हैं समीकरण 2। ठीक, अब अगर हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें, 1 और 2 का योग, 1 और 2, समीकरण 1 और 2 को अगर जोड़े, तो देखो क्या है, क्या आएगा, AB, AB यहाँ पे और यहाँ पे AC है, AB प्लस AC ग्रेटर देन यहाँ पे है BD और यहाँ है DC प्लस DC, यह है। ठीक, AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BD प्लस DC। अब चित्र में ध्यान दो, BD प्लस DC क्या है? BD प्लस DC, ये दोनों जुड़ के असल में BC ही बन रहा है। BC को हम लिख सकते हैं BD प्लस DC। क्लियर? तो हम यहाँ पे BD प्लस DC जो है, उसकी जगह क्या लिख सकते हैं? BC, और देखो यही हमें प्रमाण करना था। देखो AB प्लस AC यानी AB प्लस AC इन दोनों का योगफल तीसरी जो भुजा BC से हमेशा बड़ा होगा। क्लियर हुआ? AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC। तो ये हुआ तुम्हारा थ्योरम। समझ में आया किस तरह से थ्योरम प्रूव हुआ, क्लियर हुआ? तो इस थ्योरम का इस्तेमाल करके हम बाकी के सवाल हल करेंगे। ठीक है, यह देखो 4 उदाहरण दिए, क्या बोला जाता है, 4 सवाल है। ठीक है, हर सवाल में 3 मान दिए हुए हैं, तुम्हें ये बोलना है क्या ये जो 3 मान दिए हुए हैं, इन तीनों मानों से क्या किसी एक त्रिभुज की रचना हो सकती है कि नहीं, अभी तक जो हमने सीखा उसके आधार पर। ठीक, तो देखो पहला जो मान है वो 3, 6 और 8, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। क्या इन मानों के जरिए हम एक त्रिभुज बना सकते हैं स्केल की मदद से और पेंसिल की मदद से? तो पहले देखो, तुम बनाने जाओ स्केल से, तो वो प्रोसेस करने से पहले तुम आसानी से मान देख के ही बता सकते हो कि इससे त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा। किस तरह से? हमने वो तरीका अभी सीखा कि किसी भी दो, कोई भी दो भुजा लो, उसका योगफल अगर तीसरी जो भुजा बचेगी उससे बड़ी है तो त्रिभुज बन सकता है। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, इन दो भुजाओं को लेते हैं, 3 और 6, इसका योगफल 9 है जो 8 से बड़ी है, यानी पहला कंडीशन ठीक। 6 और 8, 6 और 8 का योगफल 14 जो 3 से बड़ा, कंडीशन ठीक। उसके बाद बचा क्या, 8 और 3, 8 और 3 का योगफल है 11 जो 6 से बड़ा है। यानी कोई भी दो भुजा उठा लो इस तीनों मानों में से, उनका योगफल देखो बची हुई तीसरी भुजा से बड़ा ही हो रहा है, यानी इन मानों के जरिए हम एक त्रिभुज बना सकते हैं। क्लियर? इस मान को देखो, 6 और 15, 6 15
होते हैं कितने, 21। 21 आठ से बड़ा है, ठीक है। 8 और 15, 8 और 15 कितने होंगे, 23। 8 और 15 का योगफल होगा 23, जो 6 से बड़ा है, ठीक है। लेकिन 8 और 6, 8 और 6 का योगफल कितना है, 14, जो कि 15 से छोटा है। यानी इन मानों के जरिए हम त्रिभुज नहीं बना सकते। क्लियर हुआ, ठीक है, समझ गए। ठीक उसी प्रकार से इस सवाल को ले लो, 2.7 और 6.1, इन दोनों का योगफल करो कितना आएगा, देखो 8, 9.8 आएगा, इन दोनों का योगफल आएगा, नहीं 9.8 सॉरी 8.8 आएगा, यार यहाँ पे भी 8.8 ही है, तो इन दोनों का योगफल इससे बड़ा नहीं हो रहा, इसके बराबर हो रहा है। तो पहले ही कंडीशन में हमने देखा कि 2.7 और 6.1 को अगर जोड़ेंगे तो हो रहा है 8.8, जो तीसरी भुजा के बराबर है, बराबर होने से त्रिभुज नहीं बनेगा, हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा, यानी ये भी त्रिभुज नहीं बनेगा, ठीक। ये वाला मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, तुम खुद से करो और इसका आंसर निकालो।